नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं NH1। एक बड़ी ही जरूरी सूचना है। कैप्शन आपने पढ़ ही ली होगी। इस कैप्शन को पढ़ के जल्दी से जल्दी जुड़ें और शेयर भी जरूर करें, क्योंकि जो इंसिडेंट 1 जनवरी करीब 2:15 बजे 2022 को माँ वैष्णो के दरबार में हुआ था, जिसमें करीब 12 लोगों की जान गई और 16 के करीब लोग घायल हुए, उसके रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन की विस्तृत जानकारी देते हुए हम आपको NH1 के थ्रू ये बता दें कि जम्मू के डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर ने एक नोटिस निकाला है, एक पब्लिक नोटिस निकाला है उस स्टैम्पेड के रिलेटेड, जिसने 12 लोगों की वैष्णो देवी भवन में जान ली। और वो नोटिस कहता है कि जिस किसी के पास भी कोई एविडेंस है, कोई ऐसी स्टेटमेंट है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो उस स्टैम्पेड से रिलेटेड हो, जिसने 12 कीमती जाने ली, तो वो ऑनलाइन या फिर ऑफिस में जाकर अपनी स्टेटमेंट दर्ज करा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे सकता है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे सकता है। हम आपको बताते चलें कि इसका जो डेट रखा गया है वो 5 तारीख है। 5 तारीख तक पब्लिक में से, जब मैं पब्लिक की बात कर रहा हूं तो वो कोई यात्री हो सकता है, कोई भी यात्री हो सकता है, या फिर जम्मू कश्मीर का कोई बाशिंदा, या पूरे भारतवर्ष में से कोई भी जो उस दिन उस रात वहां मौजूद था जब ये भगदड़ मची, 16 लोग घायल हुए, 12 लोग अपनी जान गवा बैठे, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, स्टेटमेंट को, इंफॉर्मेशन को या तो ऑनलाइन सबमिट कराएं। अगर ऑनलाइन सबमिट करानी है तो कहां करानी है ये भी हम आपको बता दें। आप ईमेल आईडी divcom.jk@nic.in पे, मैं फिर से बताता हूं, divcom.jk@nic.in पे अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर 9419202723। मैं फिर से बोलूंगा 9419202723 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, या लैंडलाइन नंबर 0191247899 पे भी कॉल करके अपनी स्टेटमेंट, अपना इंफॉर्मेशन आप इंक्वायरी कमेटी के सामने दे सकते हैं। इस इंक्वायरी कमेटी को दायित्व दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो ये स्टैम्पेड हुआ उसका पूरा लेखा जोखा 1 हफ्ते के अंदर सरकार के सामने पेश करें, ताकि जो जिम्मेदार थे उनसे बात की जा सके कि ये स्टैम्पेड हुआ क्यों। और अगर आप ऑनलाइन ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, स्टेटमेंट दर्ज नहीं करा सकते, तो आप 11 बजे सुबह के और 11 बजे से 1 बजे तक दोपहर के 5 तारीख तक डिविजनल कमिश्नर ऑफिस जम्मू, जो रेल हेड कॉम्प्लेक्स पनामा चौक में है, वहां जाकर भी अपनी स्टेटमेंट, अपने फैक्ट्स, अपने एविडेंस दे सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं या व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हैं, पर्सनली जाके अपने एविडेंस, अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो वैष्णो देवी में भगदड़ हुई थी उसके रिलेटेड, तो आप रेल हेड कॉम्प्लेक्स डिविजनल कमिश्नर जम्मू के ऑफिस पनामा चौक में जाकर भी ये सब कर सकते हैं। थोड़ी ही देर में कैप्शन में भी हम ये जानकारी दे देंगे कि कैसे आप अपनी एविडेंस वहां पे दर्ज करवा सकते हैं जो उस दिन स्टैम्पेड हुआ था। मैं आपको फिर से बता दूं कि 1 जनवरी 2022 करीब 2:15 बजे ये हादसा हुआ, जिसमें 12 लोगों की जानें गईं, एक भगदड़ मची, 16 के करीब लोग घायल हुए। आज भी ककड़ियाल के नारायणा हॉस्पिटल में जो लोग घायल हैं उनमें से कुछ का इलाज अभी भी वहां पे चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के तरुण चुगजी और MP जुगल किशोर ने आज भी वहां पे जाकर विजिट किया, कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी वहां पहुंचे थे।
विस्तृत जानकारी और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पब्लिक अगर देती है इंक्वायरी कमेटी के सामने, तो इंक्वायरी उसको एग्जामिन करेगी और उस एग्जामिनेशन के बाद कॉज कि कैसे हुआ, रीजन क्यों हुआ, उसको खोजने की कोशिश पूर्ण रूप से की जाएगी ताकि असलियत की तरफ पहुंचा जा सके कि वो भगदड़ आखिर मची क्यों थी। इतिहास में पहली बार हुआ कि श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में ये भगदड़ मची और 12 लोगों की कीमती जाने चली गई। मैं आपको बता दूं कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू ये भी इस कमेटी के एक मेंबर हैं और डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर भी इस कमेटी के मेंबर हैं जो इंक्वायरी कमेटी LG द्वारा गठित की गई है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई ऐसा आपके पास सोच है कि फ्यूचर में ऐसे स्टैम्पेड वैष्णो देवी दरबार में कैसे रोके जा सकें और कैसे दर्शनों को और इम्प्रूव किया जा सके, वो भी आप सजेशन ऑनलाइन या इन पर्सन ऑफिस में जाके दे सकते हैं ताकि वैष्णो देवी की यात्रा को, दर्शनों को पूर्ण रूप से सुरक्षित बनाया जा सके ताकि फ्यूचर में ऐसे हादसे ना हों। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो लोग, जिनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा एविडेंस है, ऐसी स्टेटमेंट देना चाहते हैं जिससे कि इंक्वायरी कमेटी जो गठित की गई है LG मनोज सिन्हा द्वारा, उनको पता चल सके कि 1 जनवरी 2022 को वैष्णो देवी के दरबार में जो स्टैम्पेड हुआ, जो जाने गई, उसका रीजन क्या है, उसके लिए आप ऑनलाइन या फिर इन पर्सन ऑफिस में जाकर अपनी स्टेटमेंट, अपने एविडेंस दे सकते हैं ताकि इंक्वायरी कमेटी को पता चल सके उस दिन आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, अभी थोड़ी ही देर में कैप्शन में भी मैं मेंशन करूंगा कि आप कैसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कैसे ईमेल कर सकते हैं, कैसे आप लैंडलाइन पे कॉल कर सकते हैं, और ऑफिस का एड्रेस भी लिखूंगा जहां पे जाकर आप अपनी स्टेटमेंट दर्ज करा सकते हैं। आप बने रहिए NH1 के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ।